एकुंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम ऑफ चैप्टर पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग में बेल्जियम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बेल्जियम बेसिकली दो रीजन्स में बटा हुआ है, फ्लेमिश रीजन वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकर्स भरे पड़े, वेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकर्स भरे पड़े। सो फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं और वो सारे डच बोलते हैं। वेलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं, वो सारे फ्रेंच बोलते हैं। सो बेल्जियम दो रीजन्स में बटा हुआ है, फ्लेमिश रीजन वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं और वो डच स्पीकर है, और वेलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं वो फ्रेंच स्पीकर है, बाकी रिमेनिंग 1% जर्मन स्पीकर्स है। पर ब्रूसल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, ब्रूसल्स, वहाँ पे सब उल्टा हो गया। 80% फ्रेंच स्पीकर, 20% डच स्पीकर्स, वहाँ पे सब उल्टा पुल्टा हो गया। और देखा जा वहाँ पे ये भी देखने को पाया जाता है बेल्जियम में फ्रेंच लोग ज़्यादा अमीर है, पावरफुल है। तो होता क्या था, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में रिच एंड पावरफुल लोगों की सारी सीटें भर जाती, जैसे इंडिया के विच मीन्स करप्ट लोगों को पॉलिटिक्स मिल जाती है, वैसे ही क्योंकि करप्ट लोगों के पास पावर होती है। इतने ही बेल्जियम के विच फ्रेंच स्पीकर से ना, जो फ्रेंच बोलन वाले पीपल फ्रेंच स्पीकरस, वो बड़े रिच थे, पावरफुल से फ्रेंच स्पीकरस, रिच पावरफुल से सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के विच वो अपनी सीट्स ले जाते से। वो बेल जो डच स्पीकर से ना, उन्होंने धक्का लगता सी कि असी मेजोरिटी हाँ ता भी सानू सीटा नहीं मिलती। फिर फाइनली ये तय होया, फाइनली टेंशन खत्म करन लई ये तय होया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्ने फ्रेंच स्पीकर्स लीडर होंगे बेल्जियम गवर्नमेंट दे विच उन्ने ही इक्वल अमाउंट से डच स्पीकर लीडर होंगे। सो किसी नाल भी धक्का नहीं होएगा, मीनस जो कोई मेजोरिटी दे विच है उनके नाल भी धक्का नहीं हो रहा, जड़ा कोई माइनॉरिटी च है उनके नाल भी धक्का नहीं हो रहा, सारे नू इक्वल रिप्रेजेंटेशन देती। ये बेल्जियम की केस स्टडी सी, याद रखना।